आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं तरह तरह के ग्राइंडिंग व्हील्स, और जिसको हम अपने एंगल ग्राइंडर में भी यूज़ करते हैं और बेंच ग्राइंडर में यूज़ होने वाले जो व्हील्स होते हैं वो, उसकी आज हम ये एक पूरी रेंज को कवर करने वाले हैं, जैसे कि आप हमारी शॉप में देख सकते हैं। और इसके बारे में हम आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये क्या है और आप इसको कैसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जो मिलते हैं फ्लैप डिस्क मिलते हैं, ये हमारे पास अलग अलग तरह की फ्लैप डिस्क आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है, ये है, ये एक्स्ट्रा पावर ब्रांड में है। 100 mm की जो एंगल ग्राइंडर होता है उसके कटिंग डिस्क होते हैं, उसकी रेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अलग अलग ब्रांड हैं, जैसे कि ये ड्यूराकट हो गया और ये एक्स्ट्रा पावर हो गया, और यहाँ पर ये भी हमारे सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं। और उसके बाद जो हमारे पास ये वाली रेंज होने वाली है, ये वाली रेंज होने वाली है हमारे पॉलिशिंग पेड की। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी मेटल वगैरह पे पॉलिशिंग वगैरह कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इजीली। और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे कि ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पावर दिखाया, ये भी एक्स्ट्रा पावर का पॉलिशिंग पैड है। देन उसके बाद ही हमारे पास बफिंग का जो पैड होता है वो बफिंग का पैड आता है, ये भी हमारा पॉलिशिंग वगैरह का व्हील है। देन उसके बाद ये जो आता है इसको हम बोलते हैं वायर वाला ब्रश, ये बेसिकली लोहे पे या किसी भी मेटल पे जंग वगैरह हटाने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद जो ये रेंज है, ये जो आता है ये हमारा ग्राइंडर का जो अड्डा होता है उस पर बांधने का व्हील आता है, ये ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग दोनों के काम में आता है। ये अलग अलग साइजेस में हमारे पास अवेलेबल होंगे आपको। उसके बाद यहाँ पर ये भी आप देख रहे हो, ये भी हमारे सारे पॉलिशिंग के व्हील्स होने वाले हैं। देन उसके बाद हम आते हैं इस तरफ, यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये हमारे ग्राइंडिंग व्हील से। ये बेसिकली जो आप व्हील देख रहे हो, ये व्हील हमारे 8 इंची के ग्राइंडर पर यूज़ होता है। आप यहाँ देख सकते हो उसकी सारी कोटेशन आपको मिल जाएगी, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ में होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास ड्यूराकट ब्रांड्स के व्हील्स आते हैं। ये हमारा ड्यूराकट ब्रांड का व्हील है ग्राइंडिंग का, जिसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूँ, ये हमारा 8 इंची का यानी कि 200 mm का व्हील होने वाला है। ये बेसिकली आपका ग्राइंडिंग वगैरह के काम में यूज़ होता है। ये हमारे कटिंग व्हील्स आते हैं। देन उसके बाद ये फिर हमारे ग्राइंडिंग व्हील्स आते हैं, और उसके बाद ये जो व्हील होने वाला है ये हमारा एल्युमिनियम एक्सॉइड का व्हील होने वाला है। ये हमारा 8 इंच का व्हील है, और जो इसकी मोटाई की बात करें 25 mm का मोटाई है, और जो इसका बोर होने वाला है 31.75 mm का इसका बोर होने वाला है। ये आपको काफ़ी अच्छी धार वगैरह लगाने में हेल्प करेगा। देन उसके बाद ये जो आते हैं, ये हमारा फ्लैप डिस्क है, 150 mm का डाया यानी कि 6 इंची का फ्लैप डिस्क है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी। और इसकी जो मोटाई है वो 50 mm है, और जो इसकी थिकनेस है वो 12.5 mm यानी कि 1/2 इंची की इसकी थिकनेस है। देन उसके बाद ये जो आता है ये है हमारा कॉम्बिनेशन स्टोन। ये क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया या छोटी मोटी चीज़ हो गई, आप उसको इस तरह से रगड़ कर इस पर काफ़ी अच्छे से धार लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारे पे, ये हमारे पास पॉलिशिंग पैड्स हैं अलग अलग। उसके बाद यहाँ पर मैं जो आपको ये आइटम दिखाता हूँ, इसको आप अपने एंगल ग्राइंडर वगैरह पे या नॉर्मल ग्राइंडर पे लगा सकते हैं। ये जो आपका लोहा होता है ये लोहे के जंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हटा सकती है। उसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये भी हमारा प्रोशन ब्रांड का ग्राइंडिंग व्हील होने वाला है, और ये भी बड़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। इसका जो डायमीटर की बात करें, 8 इंची का व्हील होने वाला है ये, 31.75 mm का इसका इनर डाया होता है, और जो इसका आउटर डाया होता है यानी कि थिकनेस वो इसकी होती है 8 mm की। और ये जो आरा मशीन के ब्लेड्स हो गए या आरी के ब्लेड्स वगैरह हो गए उन पर धार लगाने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद ये जो है ये हमारे 5 इंची के फ्लैप डिस्क हैं, जैसे कि अभी हमने आपको वीडियो में दिखाए थे। ये हमारे 4 इंची के हैं फ्लैप डिस्क, और ये जो आप देख रहे हो ये हमारे 5 इंच में फ्लैप डिस्क हैं एक्स्ट्रा पावर ब्रांड के। और ये जो आप व्हील देख रहे हो ये हमारे स्टील वगैरह का जंग साफ करने के लिए या स्टील की सफाई करने में यूज़ होने वाले ग्राइंडिंग व्हील हैं। इसका डाया जो है, इसका डाया है 16 mm, और ये हमें 40 पीस का पूरा बॉक्स मिलता है। और इसकी जो ग्रिड है, इसकी ग्रिड है 36 mm, और यहाँ पे हमारे पास इसका पूरा स्टॉक अवेलेबल है, आपको जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए वो सारा हमारे पास अवेलेबल है। देन उसके बाद हमारा ड्यूराकट ब्रांड का एक कटिंग व्हील्स, जिसको आप देख सकते हो, ये हमारा बेसिकली 5 इंची का जो एंगल ग्राइंडर होता है उस पर यूज़ होता है, और ये हमारा पूरा बॉक्स आता है। और यहाँ जो आप देख रहे हो यहाँ पे हमें 50 क्वांटिटी मिलने वाली है, यानी कि इसके अंदर हमारे 50 पीस होने वाले हैं, और ये भी आपको प्रॉपर जितनी क्वांटिटी में लेना है वो सारी क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये भी हमारे पॉलिशिंग पैड्स होते हैं। बेसिकली इनका जो यूज़ होता है,
इनका यूज़ जो होता है वो स्टील पर अच्छी क्वालिटी की शाइनिंग करने के लिए किया जाता है। ये भी हमारे पास आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए सारी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल हैं। देन उसके बाद ये हमारे पास अलग अलग तरह के ग्राइंडिंग व्हील्स आते हैं, जैसे अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये बेसिकली आप अपने बेंच ग्राइंडर वगैरह पर लगाकर यूज़ कर सकते हो ग्राइंडिंग के काम में। ये वाला व्हील आप देख रहे हो, ये स्काई ब्लू कलर का व्हील है। ये बेसिकली जो होता है सरफेस ग्राइंडर पे लगाया जाता है, और इसका जो साइज़ है, इसका साइज़ है 150 mm यानी कि 6 इंची का। ये बेसिकली आपका जो भी जॉब होता है उस जॉब पे पॉलिशिंग करने के या सरफेस करने के यूज़ में आता है। और ये भी हमारे पास आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए सारी क्वांटिटी में अवेलेबल है। और उसके बाद जो ये वाला व्हील्स आते हैं हमारे, ये जो हमारे ब्लेड्स वगैरह होते हैं, जैसे कि चैनसो का ब्लेड्स हो गया या और भी अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के ब्लेड्स होते हैं, ये उन पर धार लगाने के लिए यूज़ होते हैं। और इसकी आपको भरपूर क्वांटिटी, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए वो सारी क्वांटिटी अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद ये हमारा प्रीशियन ब्रांड के आपको अलग अलग तरह के और भी व्हील्स मिलते हैं। ये वाइट व्हील्स है बेसिकली, इसका जो यूज़ होता है ये हमारे सरफेस में यूज़ होता है। और ये 8 इंची का व्हील होने वाला है, और जो इसका इनर डाया है, इनर डाया इसका होगा 31.75 mm, और इसकी जो थिकनेस होती है वो थिकनेस है इसकी 12.5 mm। और ये आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एंड उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये भी हमारे ग्राइंडिंग व्हील्स हैं बेसिकली। ये जो आपका आरी का ब्लेड्स वगैरह होता है या और आपका एग्रीकल्चर वाले जो टूल्स होते हैं उनका ब्लेड्स वगैरह रहता है, उसकी धार लगाने में यूज़ होता है। उसके बाद आप ये देख रहे हो, ये भी आपको सारे ग्राइंडिंग व्हील्स वगैरह मिलते हैं। और पीछे की ओर आप जितने भी देख रहे हो, पीछे की ओर भी आपको सभी तरह के लगभग ग्राइंडिंग व्हील्स मिलते हैं। और उसके बाद जो मैं ये आपको व्हील्स दिखाने वाला हूँ, ये जो व्हील्स होते हैं, ये जो आपका 14 इंची का चौपसा आता है जिसको हम बोलते हैं 14 इंची का कटर, ये उस पर यूज़ होने वाले व्हील्स हैं। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट्स में मिलेंगे, और आपको जितनी क्वांटिटी में ऑर्डर देना है आप उतनी क्वांटिटी में इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारे पास भरपूर क्वांटिटी इसकी होने वाली है। उसके बाद ये हमारे पास 14 इंची के चौपसा का ब्लेड है, ये हरे कलर में होता है, ये 2.5 mm मोटा है। और जो इसकी स्पीड होने वाली है, इसकी स्पीड होती है 5100 राउंड पर मिनट की स्पीड, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। तो मैंने आपको अभी लगभग सभी तरह के व्हील्स दिखाए, जैसे कि मैंने स्लैप डिस्क दिखाए, कटिंग डिस्क दिखाए, और ये ग्राइंडिंग के, पॉलिशिंग के और सरफेस में यूज़ होने वाले अलग अलग तरह के व्हील्स दिखाए, और भी बहुत सारे पार्ट्स दिखाए इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इन व्हील्स को बाय करना चाहते हैं या कोई भी पार्ट्स बाय करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया नेपाल में होम डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है। और अगर आप सिंगल पीस भी बाय करना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल पे आने के लिए, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।